इसराइल इस वक्त युद्ध में है और इस युद्ध में कई लोग हैं जो वहां फंस गए हैं। ऐसी ही कहानी है पश्चिम बंगाल के हुगली के रहने वाले सौरभ कुमार की। सौरभ इसराइल में अवीव विश्वविद्यालय में तंत्रिका विज्ञान में अल्जाइमर रोग पर शोध कर रही हैं। वो पिछले 1.5 साल से इसराइल के वाणिज्यिक शहर तेल अवीव में है। अब मीडिया में बर्बादी और युद्धग्रस्त इसराइल की तस्वीरें देखकर भारत में सौरभ का परिवार दहशत में है। सौरभ का घर पश्चिम बंगाल के हुगली के धनिया खाली के भंडार हाटी में है। उनका परिवार उत्तरपाड़ा में रहता है। पत्नी अनंदिता बैनर्जी उत्तरपाड़ा परिमोहन कॉलेज में फिजियोलॉजी की प्रोफेसर हैं। उनकी एक बेटी है जो 7 महीने की है, उसका नाम अर्ना है। सौरभ की पत्नी का कहना है कि टीवी देखने के बाद उनको एक पल भी चैन नहीं मिलता। अनंदिता ने कहा कि मैं बहुत चिंतित हूँ। सौरभ को दुर्गा पूजा से पहले घर लौटना था, उनके फ्लाइट के टिकट भी बुक हो चुके थे, लेकिन युद्ध छिड़ने के बाद हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। हालांकि अनंदिता ने यह भी जानकारी दी कि वो अपने पति से लगातार फोन पर बात करती रहती हैं। सौरभ ने वहां का हाल बताते हुए उन्हें बताया है कि विश्वविद्यालय ही उनका आश्रय स्थल है, उनके साथ कई लोग वहां फंसे हैं, बाहर निकल पाना फिलहाल संभव नहीं है। सौरभ ने बताया कि फिलहाल खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। इसी के साथ सौरभ के परिवार ने बताया कि हमारे पास भारत सरकार से अपील करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि जैसे ही हालात सामान्य होते हैं वो सौरभ को भारत वापस ले आएं।